So, अभी मैं आया हूँ अमित भाई के घर के। Hey guys. My God, एक्चुअली इन्होंने अभी एक ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का रन कंप्लीट किया है और अभी हम लोग जस्ट जिम में से आए थे। इनका जिम किसी 5-स्टार लॉबी से कम नहीं है। तो वहाँ पे मैंने भी रनिंग किया, लेकिन 25 मिनट्स नहीं, आई नो 5-10 मिनट किया, बट ठीक है, शुरुआत के लिए काफी अच्छा है ये। हाँ, तो आज की मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है। आई होप ऐसे हम लोग का फिटनेस अगर बढ़ेगा ना तो ये 72 केजीज कम हो जाएगा। Hey guys, welcome back to my channel. I am Rahul Vlogs. So, आज का जो वीडियो है वो है अमित भाई के GS 1200 पे एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगना। तो हमारे अमित भाई ऐसे लग रहा नहीं है लद्दाख में खड़े हैं, पूरा बैकग्राउंड व्यू इतना ब्यूटीफुल है और आज बारिश का मौसम है। फॉर सम रीजन घर से बारिश देखने में बहुत मजा आता है, बट बाहर जाते ही बहुत दुख होता है बारिश में। सीरियसली भीगने का डर मुझे लगा, आई रियली कांट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। तो ये है अमित भाई का पूरा सेटअप, अभी देख रहे हैं आप ये जो सब सूख रहा है, ये सब चीज है, ये एक मैच फैला हुआ है। हाँ, कोई लंबी राइड पे निकलना है तो ऑब्वियसली उसके लिए पूरा मैच फैला के रखा है। यस, तो सब सूख जाएगा तो विल स्टार्ट पैकिंग अप एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली, तो अभी ये जो पूरा जो गियर्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, तो कॉस्ट पे मत जाओ, लेकिन जो पूरा ओवरऑल गियर्स दिख रहा है इसका मतलब है कि अमित भाई इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर अ राइड, बड़ी राइड आ रही है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया है कि मैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर सकूं। एंड बाप रे बाप, लगता नहीं है एक बाइकर के घर में है, ये हॉल रूम है उनका बाय द वे। सो अभी आ गए हम अमित भाई के पार्किंग में और अमित भाई फुल एकदम राइडिंग गियर में फुल सेट फॉर गोइंग टू BMW और यहाँ पे आ गया GS। सो जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे गाइस, GS एकदम आपके सामने। तो ये है पूरा मेरा अटायर। बारिश है ना बारिश, जिस दिन काम होता है ना उस दिन बारिश होता ही है, मतलब ये इतिहास में लिख के ले लो आप, जिस दिन काम होगा उस दिन बारिश होता है। तो BMW आ गया हूँ और ये देखो बारिश, देखो बारिश, इतना बारिश, इस बारिश में पूरा मैं भीग गया, पूरा भीग गया। बट ठीक है, मोबाइल को मैंने प्लास्टिक में रखा था, कल ही बताया था मैंने। तो अभी यहाँ पर है अमित भाई की बाइक और यहाँ पर लगने वाला है अमित भाई का जॉर्ज अल्टीमेट बाइक और इस पर काम चालू होगा। जस्ट ऐसी वर्कशॉप चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक G310 है, ये है R1250। पहले मेरे को लगा था नॉर्मल बाइक है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, इसका पूरा इंजन बाहर है देखो। तो एक्चुअली इसमें GS जैसी इंजन है, बहुत ज़बरदस्त है ये। यहाँ पे और एक GS एग्जैक्टली सेम वाला है GS जो अमित भाई का है। यहाँ पे एक G310 रेडी हो रही है, उसका पूरा बॉडी खुला हुआ है और वहाँ पे अपना बिग डैडी खड़ा है GSA। ये है 90 बाइक, बहुत ज़बरदस्त है ये भी, सुपर। और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे और एक GS 310 और इसको बैग भी लगाया हुआ है। मैं आज बारिश नहीं होता ना तो बहुत सारे काम बहुत इजी हो जाते, और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एग्जॉस्ट लग रहा है। ये आ गया एक्रापोविक एग्जॉस्ट अमित भाई का, फकिंग लाइट वेट, वेरी लाइट वेट। तो ऐसा बोल माना जा रहा है कि ये जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उससे कम से कम 4-5 किलो कम है, और देख के लग रहा भी है एक्रापोविक है भाई। और ये फुल फ्री फ्लो है, मतलब इसका आवाज़ और इसका साउंड सब कुछ अमेजिंग होगा और बहुत ज़्यादा पावर भी बढ़ेगा। भाई का स्टॉक एग्जॉस्ट निकला है, 95,000 चला हुआ, इसको निकालने के लिए 40 मिनट लगा है। इधर अमित भाई का जो एक्रापोविक एग्जॉस्ट है वो ऑलमोस्ट लग रहा है और उधर देखो स्टॉक एग्जॉस्ट है। और यहाँ पर और एक सेम GSA है, ये GSA मॉडल है और इसका भी एग्जॉस्ट निकला हुआ है एंड एक्रापोविक लगा है। तो देखो एक ओवरऑल लुक मिल गया कि GSA पे ऐसा दिखता है और अपने बाइक पे फिलहाल ऐसा दिखेगा। अभी जो है फाइनली अभी थोड़ा सा बंद हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी अमित भाई की गाड़ी का एक्रापोविक सेलिंग है।